प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में एआई के दुरुपयोग पर अपनी चिंता की व्यक्त। कहा, बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो होगा दुरुपयोग। माफिया मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर को बांदा में पोस्टमार्टम के बाद ले जाया जा रहा है गाजीपुर। शनिवार को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में होगी न्यायिक जांच। भाजपा ने सपा बसपा और कांग्रेस पर माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कांग्रेस को आयकर विभाग ने लगभग 1823 करोड़ रुपए के भुगतान का दिया नोटिस। 5 अलग अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों से जुड़ा है मामला। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने जताया ऐतराज। भाजपा ने कहा, आम लोगों को भी देना पड़ता है टैक्स, खुद को वीवीआईपी कैटेगरी में न रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, हकदारों को योजनाओं का मिलना चाहिए 100% लाभ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न जगहों पर भाजपा के लिए मांगे वोट। कर्नाटक में भाजपा जेडीएस समन्वय समिति की हुई बैठक। आपसी लड़ाई के बाद बिहार में एनडी गठबंधन में सीटों का हुआ बंटवारा। आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने केजरीवाल को आशीर्वाद दें अभियान की शुरुआत। व्हाट्सएप नंबर किया जारी। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कसा तंज। कहा, आशीर्वाद उसे मिलता है जो जनता के लिए करता है कुछ काम। जैम पोर्टल पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ सकल कारोबार। सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के हुआ कारोबार। जैम ने घरेलू कारोबारियों को बढ़ने और फलने फूलने का दिया समान अवसर। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ की बातचीत। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के बारे में हुई चर्चा। भारत के दौरे पर हैं यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर मौत के साथ आतंक के काले अध्याय का अंत हुआ। मुख्तार जैसे माफिया को राजनीतिक संरक्षण ने उसे दशकों तक उसके जुर्म की सजा से बचाया था। 4 दशक बाद पुलिस करा सकी थी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा। 2004 में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने जब मुख्तार अंसारी पर एक्शन लिया तो पुलिस अफसर पर दर्ज हो गया था केस। छोड़नी पड़ी थी नौकरी। फर्ज निभाने में आड़े आई थी सपा सरकार। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत एक खौफ का अंत है। बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हृदय गति रुक जाने से हुई मौत से जहां एक ओर उनके समर्थक मातम में डूब गए हैं, तो वहीं इनसे प्रताड़ित होने वाले लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया है। इसमें भाजपा के पूर्व विधायक रहे कृष्णानंद राय का परिवार भी शामिल है, जिनकी साल 2005 में हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में सबसे बड़े साजिशकर्ता के रूप में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, जो जेल में रहकर ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। जितने बच्चे, जितने परिवार अनाथ हुए हैं, उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो
अपने को गर्व महसूस करते हो, कैसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे हैं और वे प्रॉपर्टी और कोयले के व्यवसाय में शामिल थे। उन पर उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 2005 से ही वो जेल में बंद थे। उनकी मौत के बाद उत्तर प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। एहतियात के तौर पर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया था। कई जनपदों में एक्स्ट्रा फोर्स भेजी गई थी। पूर्व से भी इलेक्शन के कारण काफी फोर्स जनपदों में मौजूद है। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेज अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेज की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। इस बीच मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की मांग पर मौत के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में 1 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर मुख्तार अंसारी को संरक्षण देने का आरोप लगता रहा है। राजनीतिक वरदहस्त के कारण ही वो कई बार कानून के हाथों से छूटता रहा, जिसकी पुष्टि पूर्व उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने भी की है। सरकार द्वारा जब समर्थन ऐसे माफियाओं को हो जाए तो आप समझ सकते हैं। खुली जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है, तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं ये गलत है और ये हो इसको जेल जाना होगा। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार तत्कालीन अल्पमत की सरकार थी, किसी भी कीमत पे इसको बचाना चाहते थे और उन्होंने अंत में हम लोग पे प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। उन्हें बांदा से गाजीपुर लाने के बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। एहतियात के तौर पर जिले में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कांग्रेस को आयकर विभाग से नोटिस मिला है। उन्होंने इसे लेकर सियासी बयान भी जारी किया है। उन्होंने इसे सीधे सीधे सियासी मसले से जोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार परेशानी बढ़ाई है आयकर विभाग के नोटिस ने। आयकर विभाग ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नोटिस भेजा है। विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1823 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजा है। आईटी विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। यह नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पुनर्मूल्यांकन प्रोसीडिंग के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों बाद आयकर विभाग ने पार्टी को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है। इनकम टैक्स के नोटिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहती है। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी को पुराने पुराने केसेस, सीताराम केसरी जी के जमाने के केसेस निकाल करके तंग किया जाएगा ताकि हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे दोबारा से फ्रीज करे जा सके, ताकि फिर से हम सब लोगों को तंग करा जा सके, तो कैसे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा। ये आप लोगों के सामने की बात है। हम मांग करते हैं इनकम टैक्स से कि 4,600 करोड़ रुपए बीजेपी से इसी वक्त उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वह देश के संविधान और कानून से ऊपर है। आम लोगों को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस खुद को खास वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है। जबकि उनकी चोरी पकड़ी गई तो वो टैक्स नहीं देना चाहते। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो संविधान और देश के कानून के ऊपर है और उनको लगता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं, फिर झूठ बोलूं और विक्टिम बनूं, इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर, जो आम आदमी को तो टैक्स भरना पड़ता है पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्पेशल वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है, तो टैक्स की चोरी करने के बाद जब पकड़ी गई चोरी तब उनको टैक्स नहीं भरना है। सवाल ये बनता है कि 2-4 दिन पहले जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस 45-पेज ऑर्डर में ये कहा गया है कि कांग्रेस ने 520 करोड़ के डूबियस शेडी ट्रांजैक्शंस का अकाउंट नहीं दिया है और लिहाजा इसमें इनकम टैक्स असेसमेंट कर सकता है। यहां
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के लिए आयकर विभाग के जुर्माने की दोबारा जांच की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की आखिरी तारीख नजदीक आ गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं। इससे पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के खातों से 135 करोड़ रुपए की रिकवरी की थी। कांग्रेस से यह रिकवरी वर्ष 2018-19 के लिए की गई थी। दरअसल कांग्रेस ने वर्ष की आयकर भरने की अंतिम तारीख के एक महीने बाद अपने कागज जमा किए थे और साथ ही उन नियमों का उल्लंघन किया था जिसके अंतर्गत इसे आयकर भरने से छूट मिलती। इसके अलावा भी आयकर विभाग ने कांग्रेस पर कुछ नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। जाहिर है चुनावी मौसम में कांग्रेस को ये गलतियां भारी पड़ रही हैं। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश की संस्थाओं को लगातार धमकियां देने को लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में है। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एजेंसियों को खुली धमकी दी है। कांग्रेस की ये धमकियां सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। शुक्रवार शाम डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो में कांग्रेस प्रवक्ता से जब इनकम टैक्स मामले को लेकर सवाल हुआ तो वो सबक सिखाने की धमकी देने लगे। संस्थाओं की आजादी की दुहाई देने वाली कांग्रेस इन्हीं संस्थाओं को खुलेआम धमकी देने से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार शाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर खुली धमकी दी। उन्होंने लिखा कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीर हरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की, ये मेरी गारंटी है। राहुल ने अपनी पोस्ट में एक पुराने बयान का वीडियो भी लगाया। दरअसल 15 मार्च को राहुल गांधी पत्रकारों से बात करते हुए एजेंसियों को ऐसे ही खुली धमकी दे रहे थे। उनको ये भी सोचना चाहिए ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। शुक्रवार शाम डीडी न्यूज की प्राइम टाइम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता से जब इनकम टैक्स मामले को लेकर सवाल किया गया तो वो जवाब देने के बजाय सबक सिखाने की बात कहने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने सत्ता में आने पर लोक सेवा प्रसारक को भी सबक सिखाने की धमकी दे डाली। टैक्स पेयर मनी से चलने वाले जितने विभाग हैं, वो चाहे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं या स्टेट ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, उनको ये तो सबक सिखाना जरूरी हो गया है कि आप किसी के चरण चुंबक सिखाएंगे स्टेट और नेशनल ब्रॉडकास्टर्स को सबक सिखाएंगे। इससे पहले 600 से अधिक वकीलों और कानूनविदों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उस निहित स्वार्थ समूह की शिकायत की गई थी जो अपने हितों के लिए न केवल न्यायपालिका पर दबाव बना रहा है बल्कि अदालतों को बदनाम भी कर रहा है। इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका की कांग्रेस की पुरानी चाहत की याद दिलाते हुए कटाक्ष किया था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने तमिलनाडु में डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार पर करारा वार किया। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया तो वहीं जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने कर्नाटक में राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनाथू बूथ वलीमयाना बूथ यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत का ये कार्यक्रम एक दूसरे से जुड़ने और सीखने का कार्यक्रम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार और उसके सहयोगियों के सत्ता में आने के बाद से प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भाजपा तमिलनाडु में बाजी पलटने वाली है। उन्होंने कहा कि डीएमके जैसे राजनीतिक दल मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से डरते हैं और इसलिए वो इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुँचने देते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया राज को खत्म कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के नागरिक और व्यापारी दोनों सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में कहा कि हमने काम किया है और जनता हमें वोट देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही उनका परिवार है। देश वही है, प्रदेश वही है, केवल सरकार बदली और कार्यशैली बदली। आज आप देख रहे होंगे, आज यूपी में कर्फ्यू भी नहीं है, दंगा भी नहीं है। आज यूपी में बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। भारत ने पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, वो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो लोगों को जानने जरूरी हैं। जैसे 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, 13 करोड़ घरों को नल से जल मिला हो, या फिर 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा आयुष्मान भारत की हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज हो। कर्नाटक के बेंगलुरु में भाजपा जेडीएस समन्वय समिति की बैठक हुई। इस मौके पर जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने कहा कि एनडीए गठबंधन राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेगा। फर्स्ट टाइम बीजेपी एंड जेडीएस कोऑर्डिनेशन कमिटी मीटिंग वाज हेल्ड, ऑल लीडर्स वर प्रेजेंट, वी हैव गिवन ए वन ऑफ द बेस्ट मैसेज to the people of Karnataka to fight the Congress and see that the Congress should be defeated and all the 28 candidates should be won in this election. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने चमोली के थराली में रोड शो किया। इस दौरान लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। लोगों ने कंगना के ऊपर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने तमिल मनीला कांग्रेस उम्मीदवार वी एन वेणुगोपाल के लिए श्री पेरुम मबुदुर में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान भाजपा नेता ने वेणुगोपाल की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल के अलावा इस क्षेत्र का विकास कोई और नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काफी जद्दोजहद के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से आरजेडी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भारी फूट नजर आई। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से बाहर आकर एकला चलो रे का नारा बुलंद किया। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इंडी गठबंधन में काफी लंबी जद्दोजहद के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, जिसके मुताबिक सबसे ज्यादा सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और सीटों के बंटवारे के तहत आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। पप्पू यादव पूर्णिया की सीट पर अपनी दावेदारी जता रहे थे, जबकि यह सीट आरजेडी के हिस्से में आई है। पप्पू यादव के सवाल पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि गठबंधन पार्टी का होता है, ना कि व्यक्ति विशेष का होता है। सीट बंटवारे को लेकर केवल आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ही सारी बातें कही, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खामोश नजर आए। पूर्णिया से आरजेडी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया की जनता चाहती है कि वे यहां से कांग्रेस के झंडे के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की जनता और पार्टी के फैसले के आधार पर ही वो कोई निर्णय लेंगे। आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की। गठबंधन
दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। और पूर्णिया की जनता चाहती है कि पप्पू के हाथ में कांग्रेस का झंडा हो और कांग्रेस का झंडा पूर्णिया में जनता के आशीर्वाद से स्थापित हो। बिहार में महागठबंधन द्वारा सीटों की घोषणा किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन को इन चुनावों में करारी हार मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी लुटेरी पार्टियां हैं और भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनके डीएनए में है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया। स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है और भ्रष्टाचार भी ही करना जानते हैं। लालू जी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद दो ही काम किया। सांप से सुंदर की बात होती है कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने सीट का बंटवारा किया है तो आप सोच सकते हैं कि जब बंटवारा में ही इस प्रकार का मतभेद और मनभेद दोनों हो गया है तो उसका रिजल्ट साफ है। इस बीच दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस नेता शशि पांजा ने सभी आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी को टारगेट किया जा रहा है। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप थोड़ा देखिए कि इस समय इलेक्शन की जो प्रक्रिया उसको आगे चलने दीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि सुंदर तरीके से इलेक्शन हो, निष्पक्ष हो। वहीं महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास अघाड़ी में भारी फूट नजर आई। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अम्बेडकर ने महाविकास अघाड़ी से बाहर आकर एकला चलो रे का नारा बुलंद किया है। उधर शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद और महाविकास अघाड़ी नेता संजय राउत लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को अपने साथ लेने की पूरी कोशिश की। विपक्षी गठबंधन देश भर में प्रचार में भी जुटा हुआ है। इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पोन्नेरी में चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। उदयनिधि स्टालिन ने इस मौके पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। तो वहीं एनपीपी अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने संसद में मौजूदा लोकसभा सांसद अगाथा के संगमा को मेघालय का राजदूत करार दिया। एनपीपी के गढ़ नॉर्थ गारो हिल्स में चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि उनकी बहन अगाथा संगमा दिल्ली में नेतृत्व के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्यों को योजनाओं में अधिकतम हिस्सेदारी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने दो और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने गांडे विधानसभा से दिलीप कुमार वर्मा और बागीडोर से सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी घोषित किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी के अंदर ईवीएम को लेकर असंतोष के सुर सुनाई पड़ने शुरू हो गए हैं। चुनाव में नेता वादों और मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए जनता से बड़ा मुद्दा ईवीएम ही बन गया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ईवीएम के विकल्प ढूंढने में लग गई है। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ईवीएम का दुखड़ा रोना शुरू कर देती है। ईवीएम को लेकर कांग्रेस की दोहरी नीति है। अगर चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम सही है, लेकिन अगर पार्टी को चुनाव में हार का सामना करना पड़े तो ईवीएम गलत हो जाता है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने कई जगहों पर चुनावी सभाएं की। जनता के सामने मुद्दों के साथ चुनाव में जाने के बजाय कांग्रेस अजीब हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक सीट पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने की अपील की। तर्क ये कि अगर एक सीट पर उम्मीदवारों की संख्या 375 से अधिक होगी तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बाध्य होना होगा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश शीर सागर ने कहा कि चुनाव ईवीएम के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर को लेकर कोई नियम नहीं बना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी पूर्व में भी ये स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम को किसी भी तरह छेड़छाड़ करना, उसको हैक करना बिल्कुल ही असंभव सी चीज है, तो उस पे शंका उठाना
सही नहीं है, ऐसा कोई नियम बना नहीं है। उस समय भारत निर्वाचन आयोग को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा कि इतने उम्मीदवार खड़े हैं, तो फिर भारत निर्वाचन आयोग स्थिति को देखते हुए जो निर्देश जारी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड और जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छे कामों के लिए राजनीति करनी चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए। ईवीएम मशीन की प्रशंसा समूचे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं, समूचे विश्व में। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बंपर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, ऐसे करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। उधर कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के बीच जाकर ईवीएम को लेकर इस तरह दुष्प्रचार और बेतुके बयान पर भाजपा ने हमला बोला है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मानसिक रूप से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सरायकेला खरसावां जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान के साथ रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर किसी की भागीदारी दिखी। सरायकेला खरसावां जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने हस्ताक्षर और सेल्फी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में यह अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को मतदान के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके। तो आप सभी के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है। उधर नगर पंचायत में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिलाओं की खूब भागीदारी दिखी। इस दौरान महिलाओं ने छोरो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान थीम को ध्यान में रखकर एक से बढ़कर एक रंगोली बनाई। नगर पंचायत सरायकेला कार्यालय में हम लोग महिला समितियों को बुलाकर जन जागरूकता फैलाने के लिए मतदान के प्रति, यहाँ भी जितनी भी एसएचजी महिलाएं एसएचजी ग्रुप बना है उनके द्वारा हम लोगों ने एक रंगोली का प्रोग्राम रखा है, जिससे ये है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें महिलाओं की जागरूकता बहुत आवश्यक है। आज हम लोग का नगर पालिका में मतदान के बारे में हम लोग शपथ पत्र लिए, शपथ लिए हैं, उसके बाद हम लोग निष्पक्ष और बिना प्रलोभन से वोट करेंगे, इसी के बारे में जितने महिला वर्णों को जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मौजूद कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह दिख रहा है। आज हम लोगों ने वोटर अवेयरनेस के लिए एसएचजी महिलाओं को बुलाया था ताकि हम लोग लोगों को या फिर स्त्रियों के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनका प्रयास जो है सराहनीय है, और उनके द्वारा ये संकल्प भी लिया गया है, जो वोटिंग का एक हम लोग शपथ लेते हैं वो भी लिया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ करीब 69% मतदान हुआ था। प्रशासन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि इस मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और इसी को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल को आशीर्वाद दें अभियान की शुरुआत की है, तो विपक्ष में बैठी भाजपा कह रही है कि आशीर्वाद उसे मिलता है जो जनता के लिए कुछ काम करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल को आशीर्वाद दें अभियान की शुरुआत की। सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए लोगों से अपील की कि अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। उन्होंने कहा कि इस नंबर पर आप केजरीवाल को आशीर्वाद, दुआएं और प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। तो वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि आशीर्वाद उसे मिलता है जो जनता के लिए कुछ काम करता है। आज से हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है केजरीवाल को आशीर्वाद। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने अरविंद को आशीर्वाद भेज सकते हैं, शुभकामनाएं भेज सकते हैं, दुआएं भेज सकते हैं, प्रार्थना भेज सकते हैं, कोई और भी संदेश देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। आशीर्वाद उसको मिलता है जो जनता के लिए कुछ ऐसा काम किया होता है जिससे खुश होकर के जनता आशीर्वाद दे।
आज दिल्ली के किसी गली में चले जाइए, अनऑथराइज कॉलोनी के, झुग्गी कॉलोनी के, सामान्यतर कॉलोनी के, तो हर गली में नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवर का कहीं नामो निशान नहीं है। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ईडी द्वारा मोबाइल का पासवर्ड मांगे जाने पर एतराज व्यक्त किया, तो वहीं आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में ही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी के फोन का पासवर्ड भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन से ये जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की चुनाव में क्या तैयारी है। वो अरविंद केजरीवाल जी के फोन को देखकर जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सीटों में, पंजाब की सीटों में, गुजरात की सीटों में, असम की सीटों में क्या चुनावी स्ट्रेटजी है। आतिशी जी, मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने पुराने फोन बता दिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बताइए को मुख्यमंत्री ऐसे बोलता है, मुझे पता ही नहीं मेरे मोबाइल फोन कहाँ है, और नए का मैं पासवर्ड नहीं दूंगा। क्या छुपाने को है? क्यों डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल? इसलिए क्योंकि शराब घोटाले के दौरान जो उन्होंने गलत काम और पैसे का लेन देन किया, और अब जब ईडी उनको सम्मन कर रही थी, कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल रही थी, उन लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे, डॉक्यूमेंट नष्ट करने का उनको काम दे रहे थे। अदालत सबूतों और गवाहों के मुताबिक ही अपना फैसला देती है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को अदालत से बार बार राहत न मिलना बताता है कि कथित शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। अदालत ने ईडी की रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ा दी। ऐसे में केजरीवाल के लिए कानून के साथ सहयोग करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लेकर स्वास्थ्य, क्लाइमेट और रिसाइकलिंग समेत कई मुद्दों पर बेहद खास चर्चा की। पीएम मोदी और बिल गेट्स की इस चर्चा का एक वीडियो आज रिलीज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पवन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी जरूरत है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है। ये जनता द्वारा और जनता के लिए है। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता। पहले शुरू में उनको लगता था डॉक्टर तो है नहीं, मेरे मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है, तो इस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती हैं, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है नमो ड्रोन दीदी, उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य है। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से, तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बड़ी चीजें करनी है। दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोएगी, नहीं,
मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ, मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गाँव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गाँव को बदल रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। कोई भी एआई जनरेटेड चीज है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड है और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे कर करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। नवीकरणीय ऊर्जा पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और देश ग्रीन हाइड्रोजन में प्रगति करना चाहता है। साक्षात्कार के बाद पीएम मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का एक गिफ्ट हैम्पर दिया, जिसमें अलग अलग राज्यों के उत्पाद शामिल थे। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में बनाए गए मोती का उपहार दिया। इसके अलावा तमिलनाडु की फेमस आर्ट टेराकोटा की मूर्ति, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कश्मीर का केसर और दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पत्ती भी बिल गेट्स को भेंट की। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत के बाद पोषण से जुड़ी किताबें उपहार में दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान कहा कि लोगों को सशक्त बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग काफी संतुष्टिदायक है। I have to say though, the most exciting thing is when you see people using the technology. You know, when you go into a classroom and you see people using it. In a certain sense, I always wanted software for my own curiosity and, you know, that I could take courses online. And all that, and to see that other people, you know, not only does it work for them, but it's kind of empowering them. That's been very gratifying. You know, we still have a lot of limitations, but you know, in that event with all the Microsoft India employees, it was kind of a milestone to see. Okay, what had been a dream now was a group of brilliant people taking it to the next level. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को वोकल फॉर लोकल का एक गिफ्ट हैम्पर दिया, जिसमें अलग अलग राज्यों के प्रोडक्ट्स थे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में बनाए गए मोती का उपहार दिया। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु की फेमस आर्ट टेराकोटा की मूर्ति, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कश्मीर का केसर और दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय पत्ती भी बिल गेट्स को उपहार में दी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को बातचीत के बाद पोषण से जुड़ी किताबें उपहार में दी। जैम के सीईओ प्रशांत कुमार सिंह ने नई दिल्ली में आज बताया कि सरकारी ई मार्केट केंद्र जैम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4,00,000 करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दोगुना है। इससे जैम पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्य क्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। हायरिंग ऑफ चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, हायरिंग ऑफ एग्जामिनेशन सर्विसेज, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सर्विसेज, ड्रोन एज अ सर्विस, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, ERVR सर्विसेज, hiring and operation and management of ATMs. In fact, the good news was that we crossed this 4,00,000 crore mark through a 400 crore bid of SBI. It came in at 710 last evening. We were at 399,800 something and we suddenly leapfrogged to 4,00,200. Videsh Mantri S. Jayashankar ne Nayi Dilli mein Ukraine ke Videsh Mantri Dmytro Kuleba se mulaqat ki. भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है। हमारे रिश्ते सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। I'm very glad that despite our some of our bilateral mechanisms have also met, I think this has created a certain momentum in our bilateral relationship. And today, after this discussion in the afternoon, we look forward also to the meeting of the Intergovernmental Commission. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि भारत और यूक्रेन पारंपरिक मित्र रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और यूक्रेन को मिलकर वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। इंडिया एंड यूक्रेन हैव बीन ट्रेडिशनल फ्रेंड्स बट आई थिंक देयर इज मच मोर दैट वी कैन डू एंड शुड डू नॉट ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशंस बट आल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3i हब ने आज हयात रिजेंसी नई दिल्ली में स्टार्टअप समूह 3rd, 4th और 5th लॉन्च किया। NMICPS मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वित्त पोषित C3i हब ने स्टार्टअप इनक्यूबेशन कार्यक्रम में 19 स्टार्टअप प्रस्तुत किए जो एप्लीकेशन सुरक्षा एकीकृत SOC समाधान साइबर फॉरेंसिक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी UAV सुरक्षा IoT सुरक्षा और साइबर बीमा सहित विशिष्ट साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। टुडे वी आर एडिंग 19 मोर स्टार्टअप्स टू आवर ग्रुप। द चार्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब एट IIT कानपुर इज टू डेवलप and deploy technologies in cyber security and also to promote startups in the same domain. So as part of that charter, we are conducting this program. राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और IIPA की उपलब्धियों के साथ भविष्य के नए भारत के निर्माण में संस्थान की भूमिका को रेखांकित किया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस और IIPA द्वारा देश में बेहतर सुशासन के लिए भविष्य की कार्य योजना जैसे विषयों पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक SN त्रिपाठी से। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। आज ये देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक बेहतर गुड गवर्नेंस का संस्थान बनकर उभरा है। इसके 70वें स्थापना दिवस में उपराष्ट्रपति ने शिरकत की। आइए बात करते हैं इसके महानिदेशक SN त्रिपाठी से। उपराष्ट्रपति जी आए, उनका जो उद्बोधन था विकसित भारत 2047 का भारत, नए सपनों का भारत, वैश्विक लीडर भारत, किस तरह देखते हैं उनके उद्बोधन को? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के माननीय अध्यक्ष हैं हमारे उपराष्ट्रपति महोदय और उनकी सदैव स्वीकृति से आज हमने 70वां जन्म दिवस मनाया है। उन्होंने सोशल कैपिटल नीड फॉर विकसित भारत पर अपना व्याख्यान दिया और उसको बड़े ही अपने ही अंदाज में बताया कि भारत को विकसित करने के लिए गुड गवर्नेंस, फेयर्स इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी और सब कुछ मिला के जनता का साथ, जनता की भागीदारी और तभी इंडिया या भारत का विकास हो सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब विकास की ऐसी उड़ान पर है कि इंडिया इज अनस्टॉपेबल। प्रधानमंत्री जी हमेशा सुशासन की बात करते हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय मिले, ऐसे में इस संस्थान की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस सार्थकता को जो नए लोक सेवक आ रहे हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो छात्र हैं, शोधार्थी हैं, उन तक पहुँचाने? आज का शासन है कि जन का जनता को आगे करके, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग प्रमोट करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करिए, गवर्नमेंट शुड कम आउट ऑफ मिडिल क्लास लाइफ, यू शुड प्रमोट ग्रास रूट गवर्नेंस जहाँ जनता अपने भाग्य खुद, अपने फैसले खुद ले, अपना भाग्य खुद चुने। गवर्नमेंट एज ए होल को रेडी करना, उनका प्रशिक्षण करवाना हम जैसे अनुष्ठानों का दायित्व तो भी है। IIPA के कितने सदस्य हैं भारत में, विदेश में, कितनी क्षेत्रीय शाखाएं और कितनी प्रादेशिक जो स्थानीय शाखाएं हैं जो सुशासन के लिए लगातार काम कर रही है? देखिए IIPA की अपनी ब्रांचेज हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स द्वारा संचालित हैं, लगभग सभी स्टेट्स में हमारी 67 के आसपास लोकल और रीजनल ब्रांचेज हैं।
हमारे लगभग 12,000 मेंबर हैं, जिसमें 4,000 के आसपास ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं, 3,000 से 4,000 प्रोफेसर्स और अदर प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सब लोग इस दिशा में प्रयास किए हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे मेंबर हैं, जैसा कि हमने उनको पुरस्कार भी दिया हुआ है, श्री नृपेंद्र मिश्रा जी हमारे मेंबर हैं, दो बालसा हमारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोग मेंबर हैं जिन पर हम प्राउड करते हैं उनके अचीवमेंट को देख के। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के महानिदेशक एस एन त्रिपाठी, जिनका मानना है कि IIPA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड गवर्नेंस के मूल मंत्र को न केवल संकल्पित और साकारित करने का काम कर रहा है, बल्कि देश के लोक सेवक, शिक्षाविद और छात्रों, शोधार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण देकर जमीनी स्तर पर गुड गवर्नेंस की सच्चे मायने में संकल्पित साकार करने की जो प्रतिमूर्ति है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन SP दुबे के साथ मुकुपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। महाठक सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच को मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने फरवरी के महीने में इस मामले में CBI जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। NIA ने बंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के दो मुख्य आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। NIA ने कैफे में IED लगाने वाले दो आरोपियों मुसाविर हुसैन शाजिब और साजिश में शामिल अब्दुल मतीन ताहा पर 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। BSP MLA राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ की CBI कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 6 आरोपियों को लखनऊ CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। CBI स्पेशल कोर्ट ने फरहान को अवैध असलहा रखने के मामले में 4 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवि को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री टैक्सी के फिसलकर गहरी खाई में गिर जाने से कम 10 यात्रियों की मौत हो गई। टैक्सी करीब 800 फीट गहरी खाई में गिरी है। राहत और बचाव के लिए SDRF की टीम को लगाया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ASI के सर्वे का काम 8वें दिन भी जारी रहा। सुबह 6 बजे सर्वे का काम शुरू हुआ था। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग का हंग इलाका भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया है। इसमें कई गाड़ियों के नीचे दबने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वाहनों से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में मौसम में बदलाव देखा गया। आज विश्व भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस दिन को ईसाई धर्म के लोग चर्च जाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि आज के ही दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, लिहाजा गुड फ्राइडे के दिन को ईसाई समुदाय शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो पूरी दुनिया में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर मना रहे हैं। विभिन्न देशों में ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। इस दिन तमाम लोग यीशु के लिए उपवास भी रखते हैं। गुड फ्राइडे का इतिहास करीब 2005 साल पुराना माना जाता है। आइए आपको इसी इतिहास को समेटे एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांधे पर लकड़ी का क्रॉस उठाए ईसा मसीह के दुखों को याद करते, भजन कीर्तन करते जुलूस की शक्ल में यरूशलम के पवित्र सेपल्कर चर्च की ओर बढ़ते लोग। सिर्फ यरूशलम ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखा इससे मिलता जुलता नजारा। ये गुड फ्राइडे का आयोजन है जो ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए बेहद खास है। इसे ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल ईस्टर संडे से पहले वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे होता है। इस साल ईस्टर संडे 31 मार्च को है। माना जाता है कि इसी दिन ईसा मसीह यानी यीशु को तमाम यातनाएं देने के बाद सलीब पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर याद करते हैं। इस दिन ईसाई समुदाय के लोग गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना करते हैं।
तमाम लोग इशू के लिए उपवास भी रखते हैं। उपवास को करने के बाद मीठी रोटी बनाकर खाई जाती है। इस दिन चर्च में घंटी की बजाय लकड़ी के बने बॉक्स को बजाया जाता है। लोग दान पुण्य वगैरह करते हैं और बढ़ चढ़कर अच्छे काम करते हैं। साथ ही इस दिन प्रभु यीशु के उपदेशों का स्मरण किया जाता है। ईसा मसीह को ईसाई समुदाय में ईश्वर का बेटा कहा गया है। ईसाई धर्म के अनुयायियों का मानना है कि प्रभु ईसा ने इंसानों की भलाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। यीशु को यहूदी शासकों ने शारीरिक और मानसिक रूप से कई यातनाएं दीं और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया जा रहा था, तब भी उन्होंने अपने भगवान से ये प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ईसा मसीह की इसी दयालुता को आज के दिन याद किया जाता है और लोगों को माफ करने का संदेश दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि ईसा मसीह की तरह ही इंसानों में लोगों को माफ करने और दया करने की भावना पैदा हो। गुड फ्राइडे का इतिहास करीब 2005 साल पुराना है। तब यीशु यरूशलम में रहकर मानवता के कल्याण के लिए भाईचारे, एकता और शांति के उपदेश देते थे। लोगों ने उनको परमात्मा का दूत और उनकी संतान मानना शुरू कर दिया था। आम लोग उनकी बातों से बेहद प्रभावित होते थे। यह बात तात्कालीन यहूदी शासकों को नागवार गुजरी। उन्होंने यीशु पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें सलीब पर लटका दिया। सलीब पर चढ़ाने से पहले उन पर बे इंतहा जुर्म किए गए। उन्हें कांटों भरा ताज पहनाया और उन्हें सलीब को अपने कंधे पर ले जाने के लिए बेबस और मजबूर किया। सबसे आखिर में उनके हाथों में कील ठोंकते हुए उन्हें सलीब से लटका दिया गया। इसराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर को मार गिराया है। वहीं इसराइल ने हमास की आधारभूत संरचना और टनल शाफ्ट को ध्वस्त करने का भी एक वीडियो जारी किया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी जारी है, लेकिन ये राहत सामग्री अभी भी काफी कम पड़ रही है। इसराइल ने हाल के दिनों में लेबनान के बजोरिये में किए गए हमले में हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट के डेप्यूटी कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। इसराइल की माने तो वो हिजबुल्लाह की तरफ भारी हथियारों से रॉकेट दागने वाले लोगों में से एक था। इसराइल उसे अपने नागरिकों पर हमला करने और इसकी योजना में शामिल रहने का जिम्मेदार मानता है। इसराइल ने एक वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसराइल ने अलेप्पो में भी हवाई हमले किए हैं। शुक्रवार सुबह किए गए हमले में 33 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में आम लोगों के साथ साथ सैनिक भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 5 हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हैं। एक अन्य वीडियो में इसराइल द्वारा हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। IDF ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान हमास की आधारभूत संरचना और टनल शाफ्ट को ध्वस्त किया गया है। IDF ने कहा कि हमास के आतंकी रिहायशी इमारतों और अस्पतालों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां हमास के आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि हमास ने इन आरोपों को खारिज किया है। उधर अलशिफा अस्पताल के आसपास इलाकों में लड़ाई तेज हो गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिक नागरिकों, रोगियों, चिकित्सा टीमों और चिकित्सा उपकरणों को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। इजरायली इस अभियान के दौरान अब तक हमास से जुड़े कई लोगों को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करने का दावा कर रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले अलशिफा गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल था। यह अस्पताल ताजा लड़ाई से पहले उत्तरी गाजा में आंशिक रूप से चालू कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं में से एक था। इस बीच गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने का प्रयास भी जारी है। हालांकि इतनी बड़ी आबादी के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। रमजान के मौके पर जॉर्डन की तरफ से 50,000 मील प्रतिदिन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जमीन के जरिए इस काम को अंजाम देना मुश्किल है, इसलिए दूसरे देशों की मदद से विमान के जरिए गाजा में राहत सामग्री गिराई जा रही है। इस काम में कई स्वयं सहायता समूह भी मदद कर रहे हैं। हमने जॉर्डन की सेना की मदद से विमान से गाजा में भोजन गिराए हैं। आज हमारा उद्देश्य रमजान के महीने के दौरान गाजा को प्रतिदिन 50,000 भोजन के पैकेट उपलब्ध कराना है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्य और दक्षिण गाजा में सहायता वितरण करने वाले ट्रकों की संख्या 200 के करीब पहुंच गई है। हालांकि अभी और ट्रकों की जरूरत है। साथ ही अप्रैल के मध्य से अंत तक समुद्री सहायता गलियारे के खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि वो गेट नंबर 96 को सहायता ट्रकों के लिए नियमित, दैनिक और बड़े पैमाने पर वितरण बिंदु बनाने के लिए भी काम कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को संभावित राफा हमले के दौरान इजराइल की मानवीय योजना के कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई व्यापक योजना देखने को नहीं मिली है। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ शनिवार को मायामी मास्टर्स के फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग के खिताबी मैच में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना क्रोएशिया के इवान डोडिस और अमेरिका के ऑस्टिन क्रेजिसेक की जोड़ी से होगा। इस टूर्नामेंट में बोपन्ना एबडन की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेमीफाइनल मैच में बोपन्ना और एबडन की जोड़ी ने स्पेन के मार्सल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस की जोड़ी को 6-1 6-4 से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफलता पाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे